वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मिनिमलिस्ट के एक फेस टोनर का रिव्यू। सो पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को आपने मेरे वीडियोस में बहुत बार देखा होगा, मेरे हॉल वीडियोस में देखा होगा, एंड दिस इज माय सेकंड परचेज। इससे पहले मैं एक बॉटल खत्म कर चुकी हूँ। सो काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि प्लीज इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग के साथ शेयर कीजिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिटेल में आपको बता दूं कि ये टोनर कैसा है, कैसे वर्क करता है, पर्टिकुलर इसका फॉर्मूला कैसा है। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज वीडियो को जरूर से कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल यार गाइस। मतलब 2 सेकंड का टाइम लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। सो या चलिए फटाफट से प्रोडक्ट की डिटेल देख लेते हैं एंड देन मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये कुछ मिलता है आपको इस तरह की कार्डबोर्ड बॉक्स की पैकेजिंग में। दिस इज मिनिमलिस्ट पीएचए 0.3% फेस टोनर। तो पीएचए स्टैंड फॉर पॉलीहाइड्रोक्सिक एसिड, एंड ये आपको मल्टीबायोटिक्स के साथ भी मिलता है। एंड क्वांटिटी आपको मिलेगी इसकी 150 ml, एंड प्राइस आपको पे करनी होगी 399 rupees। एंड यस, 18 months की आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाती है। एंड ये है कुछ इसकी इनर बॉक्स पैकेजिंग। सो पर्टिकुलर डार्क कलर की बॉटल के अंदर आपको मिलता है। यस, ये इसकी कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा वॉटरी कंसिस्टेंसी है। इनफैक्ट इसका जो फॉर्मूला है ना, काफी ज्यादा स्मूथ है। ऐसा फील नहीं होगा कि सिर्फ हम पानी अपने फेस पे लगा रहे हैं, बहुत स्मूथ सा इसका फील आता है। एंड विद इन सेकेंड्स के अंदर स्किन के अंदर सॉक इन होके आपकी स्किन को एक ग्लोई लुक प्रोवाइड करता है। ये चीज मुझे इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगी। लाइक इसको लगाने के बाद ना, यस फील होता है कि हम कुछ अच्छा प्रोडक्ट लगा रहे हैं। सो यस, बेसिकली इसका जो हीरो इंग्रेडिएंट है, जो हीरो एक्टिव इसके अंदर डाला है, दैट इज पीएचए। जैसा मैंने आपको बताया था, पीएचए स्टैंड्स फॉर पॉलीहाइड्रोक्सिक एसिड। तो ये सबसे सेफ एक्टिव है। AHA एंड BHA फिर भी आपकी स्किन को रिएक्ट कर सकते हैं, बट PHA का फॉर्मूला इतना ज़्यादा ऐसा होता है ना कि वो आपकी स्किन के अंदर बहुत अंदर डीप लेयर तक जाके पेनिट्रेट नहीं करता है। दैट मीन्स कि आपको रिएक्ट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की। तो इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ ग्लूकोनोनेक्टोन, जो कि 3% है। ग्लूकोनोनेक्टोन बेसिकली आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जेंटली एक्सफोलिएट करता है स्किन को। एंड जो नेक्स्ट है, दैट इज़ नयासिनेमाइड इसके अंदर 2% है। एंड उसके बाद इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड वगैरह भी है, बायोटिक्स भी है। तो जो भी नयासिनेमाइड के बाद जितने भी इंग्रेडिएंट है वो सब काफी कम क्वांटिटी में है। सो यस, नयासिनेमाइड भी इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2% है। तो यस, आपको ये नहीं है कि एक्ने स्कार्स या फिर आपके पिगमेंटेशन बहुत अच्छे लेवल में वर्क करेगा, थोड़ा सा पेशेंटली आपको इसको यूज करना पड़ेगा। यस, इसके अंदर बायोटिक्स भी है। तो बेसिकली दो तरह के बायोटिक्स होते हैं, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। पहले हम प्रोबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। प्रोबायोटिक्स बेसिकली गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर जरूरी है। अगर आपने देखा होगा कि अगर जिनकी गट हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, गट उनका क्लियर नहीं होता है, दैट मीन्स कि उनके जो बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, वो बैड बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहे हैं। तो आपकी स्किन के अंदर भी गुड बैक्टीरिया का होना जरूरी है ताकि वो बैड बैक्टीरिया को किल कर सके। तो प्रोबायोटिक्स इसके अंदर है। और प्रीबायोटिक्स क्या करता है, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो आपके गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करता है। तो दोनों होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिर्फ प्रोबायोटिक्स होंगे, प्रीबायोटिक्स नहीं होंगे, तो भी मतलब नहीं है। तो यस, इसके अंदर दोनों ही बायोटिक्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी बात करते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है। फेस वॉश के बाद आपको इसकी एक नॉर्मल सी क्वांटिटी लेनी है। आप अपने पाम में भी ले सकते हो, आप नॉर्मल कॉटन पैड पे भी यूज़ कर सकते हो। हमेशा टोनर आपको फेस वॉश के तुरंत बाद यूज़ करना होता है। यस, अपने फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से टैप करना है अपने फेस को। जितने अच्छे से आप टैप करोगे, उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उतनी आपकी स्किन ग्लोई दिखती है, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी स्किन को पेनिट्रेट करता है अंदर जाके। सो मेक श्योर कि जब भी आप टोनर यूज़ करो, इस तरह से अपने फेस की टैपिंग जरूर करो ताकि स्किन के अंदर प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए। सो यस, एवरी स्किन टाइप कैन यूज दिस, लाइक ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो अभी बात करते हैं बेसिकली पीएचए आपकी स्किन पे वर्क कैसे करता है। पीएचए एक एक्सफोलिएट होता है, बेसिकली आपकी स्किन का टेक्सचर है, आपकी स्किन के बैरियर को ये बहुत अच्छे लेवल में हील करता है। तो अगर आपका बैरियर स्ट्रांग होगा आपकी स्किन का, तो डेफिनेटली टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा, स्किन आपकी हेल्दी लगेगी। पिगमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अन ईवन स्किन टोन है, उस पर भी बहुत अच्छे लेवल में वर्क करता है। यस, अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ इसको परचेज कर रहे हो कि मुझे ग्लोई स्किन दे, मेरे एक्ने स्कार्स पे वर्क करे, या फिर मेरे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को रिमूव करे, वैसा ऐसा
ये वर्क नहीं करता है क्योंकि पीएचए बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, डीप लेयर तक जाके पेनिट्रेट नहीं करता है, तो ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स को वो रिमूव नहीं करेगा, एक्ने स्कार्स या एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम पे वर्क नहीं करेगा। यस, आपकी स्किन का टेक्स्चर काफ़ी अच्छा होगा, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा, ऑफकोर्स आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, दैट मीन्स की जो भी डेड स्किन सेल्स है आपकी स्किन के उनको रिमूव करता है। तो बेसिकली लास्ट लाइक 3 to 4 months से मैं इसको यूज कर रही हूँ, मॉर्निंग में एंड नाइट टाइम दोनों में आप यूज कर सकते हो। यस, आप इसके साथ नियासिनमाइड, हाइलोनोरिक एसिड सीरम, टी ट्री या फिर आपके जो भी सैलिसिलिक एसिड है वो भी यूज कर सकते हो। गाइस, मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बहुत टाइम से मैं एक अच्छा टोनर ढूंढ रही थी एंड दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैंने कोई एक्टिव वाला टोनर यूज किया। अदरवाइज मैं हमेशा रोज वाटर या नॉर्मल जो हमारा प्लम ग्रीन टी है, 2-3 टोनर्स मैं यूज करती हूँ, बट इसके बाद मुझे लगा कि यस, अच्छा टोनर मुझे मिल चुका है, आप ज़रूर से एक बार ट्राई कर सकते हो। काफ़ी माइल्ड फॉर्मूला के साथ है और जो टोनर का बेसिकली काम होता है आपके पोर्स को क्लॉग करना, आपका जो भी रेसिड्यू रह गया है फेस वॉश के बाद भी उसको क्लियर करता है, साथ ही साथ में स्किन को हाइड्रेट करता है, टेक्स्चर अच्छा करता है एंड ऑफकोर्स पीएचए है तो स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अमेजोन से मैंने इसको बाय किया है, आप वहां से बाय कर सकते हो। दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो लाइक जरूर से कीजिएगा एंड मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।